डिफरेंस बिटवी जनरली क्वेश्चन में आता है डिफरेंस बिटवीन लेच एंड फ्लिफ्लॉप और वाइबा में भी पूछा जाता है की वट इज द डिफरेंस बिटवीन लेच एंड फ्लिफ्लॉप ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो मैंने ग्रीन पेन्सिल लिखी है दीज आर द करेक्टरिस्टिक जिसका हम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे हम कंपेरिजन करेंगे ठीक इन लास्ट में ये भी बताऊंगी कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप ठीक तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रिगरिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगरिंग ठीक है ट्रिगर मींस कि आपके डिवाइस जिससे ऑन होगी ठीक तो मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया है दिस कैन बी अ लैच और दिस कैन बी अ फ्लिप फ्लॉप ठीक अगर हम लैच की बात करें तो हम इसको कह सकते हैं एस आर लैच विथ कंट्रोल इनपुट ठीक कंट्रोल इनपुट मीन्स की क्लॉक वर्क एज अ कंट्रोल इनपुट और वी कैन से दिस इज अ फ्लिप फ्लॉप ठीक अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इफ ये क्लॉक ये डिवाइस लेवल ट्रिगर्ड है तो दिस इज लैच और इफ दिस डिवाइस इज एज ट्रिगर ट्रिगर्ड तो दिस इज फ्लॉप वट इज द मीनिंग ऑफ लेबल एंड एज़? तो सिंपल है कि आपकी जो क्लॉक पल्स एज अ क्लॉक कंट्रोल इनपुट अप्लाई हो रही है मीन्स की दिस वन ठीक है दिस इज अ क्लॉक, ठीक है ये टाइम टी टाइम के लिए अगर आपकी जो डिवाइस है इस लेवल पे वर्क करती है लेवल ट्रिगर्ड है मींस की इस पर ऑन होती है तो दिस इज लैच और अगर वो ट्रांजिशन पर मीन की जीरो से वन या वन से जीरो के ट्रांजिशन पे वर्क करती है तो दैट इज एटर डिवाइस और वो आपकी फ्लिपलॉप है ठीक तो मेन डिफरेंस इज दैट कि लैच इज अ लेबल ट्रिगर डिवाइस एंड फ्लिप्लॉप इज द एड स्ट्रिगर डिवाइस ठीक नेक्स्ट स्पीड स्पीड इन कंपेर स्पीड किसकी फास्ट होगी लैच की और स्पीड फ्लिप फ्लॉप की स्लो होगी वाई स्लो होगी बिकॉज आपका जो लैच है ये इस लेबल पे वर्क कर रहा है मीन्स कि जैसे ही ट्रांजिशन होगा ये क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है आउटपुट हमें मिल जाएगी बट केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप वो ट्रांजिशन पे वर्क करता है आइदर पॉजिटिव एट्स पे और नेगेटिव एट्स पर मींस कि अगर आपका इस टी ड्यूरेशन में कोई भी चेंज हुआ इनपुट्स में तो वो नेक्स्ट पॉजिटिव एज पर ही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगा या नेक्स्ट होगी ठीक है दैट्स आपकी स्पीड किसकी फास्ट होगी लैच की और फ्लिप फ्लॉप की स्लो और समटाइम्स हम लैच सिर्फ विदाउट कंट्रोल इनपुट यूज करते हैं उस केस में भी ये हमारा फास्ट होगा और फ्लिप फ्लॉप हमारा स्लो होगा ठीक नेक्स्ट इज सेंसिटिव सेंसिटिव जैसे मैंने बोला कि लैच इज लेबल ट्रिगर्ड और फ्लिप फ्लॉप इज एड्स ट्रिगर तो आपका जो लैच होगा वो पल्स ड्यूरेशन दिस इज द पल्स ड्यूरेशन पल्स ड्यूरेशन पर सेंसिटिव होगा और आपका जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो ट्रांजिशन पे सेंसिटिव होगा बिकॉज वो एज ट्रिगरिंग पर वर्क कर रहा है एज ट्रिगरिंग मीन्स कि जब भी आपका जीरो से वन या वन से जीरो ट्रांजिशन होगा उस पर सेंसिटिव होगा तो लेवल इज लेज पल्स ड्यूरेशन सेंसिटिव और फ्लिप फ्लॉप इज पल्स ट्रांजिशन सेंसिटिव नेक्स्ट नंबर ऑफ गेट्स इन कंपेरिजन टू फ्लिप फ्लॉप लैच में लेस होंगे लेस होंगे अगर हम विदाउट कंट्रोल इनपुट यूज करें तो टू आपके गेट लग रहे हैं बट इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें क्लॉक यूज करनी पड़ती है तो हमारे नंबर ऑफ गेट्स इंक्रीज होंगे मीन्स की मोर होंगे नेक्स्ट पावर ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ गेट्स कम होंगे तो ऑब्वियस है यहाँ पावर कम रिक्वायर्ड होगी यहाँ हमारी मोर रिक्वायर्ड होगी डिजाइनिंग इसकी इजी होगी इसके लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो बिकॉज वी हैव ऑप्शन इन केस ऑफ लैच कि हम विदाउट कंट्रोल इनपुट यूज करें तो दैट्स why इसकी डिजाइन सिंपल होगी और इसकी कॉम्प्लेक्स होगी नाउ what इज द एप्लीकेशन लैच में जैसे कि कंट्रोल इनपुट का इफेक्ट होता है बट वो जैसे ही इनपुट हमारा चेंज होता है उसके साथ साथ हमारी आउटपुट मिलती है तो इट कैन बी यूज फॉर कंप्यूटिंग डेटा स्टोरेज एप्लीकेबल टू असिंक्रोनस सिस्टम ठीक एंड होगा वो आपके सिंक्रोनस सिस्टम में यूज होगा इट कैन बी यूज इन रजिस्टर इन काउंटर्स इन फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस सॉरी इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर एंड स्टोरेज डिवाइसेस ठीक है तो दीज आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट इज द सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज में क्या है बोथ आपकी वन बिट स्टोरेज डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज सेल है मीन्स की लैच एंड फ्लिप फ्लिपलॉप बोथ कैन स्टोर वन बिट ठीक है अगर हमें वन बिट स्टोर करनी है तो वन फ्लिप फ्लिप्लॉप और लैच चाहिए अगर हमें टू बिट स्टोर करनी है तो टू बिट तो टू फ्लिप फ्लिपलॉप और टू लैप चाहिए सेकेंड थिंग कि आपके बोथ जो होंगे फ्लिफ्लॉप बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ बाई स्टेबल मल्टी बाइब्रेटर क्यू बिकॉज इन दोनों ही केस में आइदर आपकी वन स्टेट स्टोर होती है वन स्टेट का मीन्स है जब बाइनरी बिट वन स्टोर होती है और जीरो स्टेट स्टोर होती है मींस की जीरो दो स्टेट्स होती हैं दैट्स दिस इज है मल्टीवाइब्रेटर नेक्स्ट सिमिलरिटीज क्या है कि बोथ आर यूज इन सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइनिंग थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू